अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, मिड टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2023-24 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं, वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ सकते हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करी CS 301 के कुछ पेपर जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ MCQs की प्रिपरेशन के लिए भी बता देती हूँ कि आपने लेटेस्ट क्विजेज़ करने हैं, और लेटेस्ट क्विजेज़ यानी क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 अगर आप लोगों का मिड टर्म तक हो चुका है तो मीन्स वो लेटेस्ट है। आप अपना भी अटेम्प्ट कर चुके हैं क्विज़, साथ साथ आप लोगों ने क्या किया है कि आप डिफरेंट चैनल से, यूट्यूब चैनल्स या वेबसाइट से भी ये क्विजेज़ देख सकते हैं। लास्ट 2 ईयर्स के देख लें, स्प्रिंग एंड फॉल 2022-23 के ये लेटेस्ट क्विजेज़ हो जाएंगे, और साथ साथ क्योंकि पास्ट पेपर भी देख लो आप, लेकिन ये है कि पास्ट पेपर्स मोस्टली जो हैं वो ओल्ड होते हैं यानी 10 to 15 years, बट आपके जो कोर्स कंटेंट है वो अपडेट भी हो रहा होता है, यानी कुछ कोर्सेज अपडेट हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता बिकॉज वो डिपेंड कर रहे होते हैं पास्ट पेपर पर, तो इस चीज़ से बचिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर शो करवा देती हूँ, CS 301 का है, ठीक है। यहाँ पर MCQs पास्ट पेपर से नहीं थे, वही बात आ गई, ठीक है। डिपेंड नहीं करना, आपको इन टॉपिक्स के बारे में दिया हुआ था और शॉर्ट में आउटपुट बतानी थी, BST Tree के बारे में था। ये मैं रीड नहीं करी, जस्ट आप लोगों को शो करवा रही हूँ, आप लोग खुद देख लें। इसके साथ साथ आप आ जाएं, यहाँ पर नेक्स्ट भी गिवन है, ठीक है। सेम BST डायग्राम में एलिमेंट्स बताने थे और कुछ आउटपुट्स वाले थे, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के टॉपिक्स गिवन है। और यहाँ पर बाकी पेपर बहुत इजी था। यहाँ पर नेक्स्ट पेपर की तरफ आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हुआ है, 20-25 लाइंस का कोड दिया हुआ था, उसमें एरर फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये जब कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि आपको कोडिंग में फाइंड करने के लिए यानी एरर्स फाइंड करो, आइडेंटिफाई करो, उसे करेक्ट करके राइट करो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। ये टोटल नोड्स, टोटल लीव्स और टोटल नॉन लीव्स, इस टाइप के कोई क्वेश्चन थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, आप लोगों को पता होगा कि किस बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही याद है, कोडिंग वाले देख रहे हो ये सारा। कुछ लोगों के लिए MCQs मुश्किल थे या कुछ के लिए इजी था पेपर, क्योंकि सब के लिए इजी नहीं होती सब चीज़ें। तो ये CS 301 के पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, ये सेट नंबर 1 था। और भी पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।